चलिए फटाफट देखते हैं कि आज आपके दिल में आपके पर्सन के लिए क्या है, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, लेकिन आज हम देखेंगे आपके दिल में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स आ रही है, इस टाइम क्या फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पायल नंबर वन। पायल आप सेलेक्ट कर लीजिए फटाफट। पायल नंबर टू, पायल नंबर थ्री एंड पायल नंबर फोर। एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखते हैं कि आज आपके दिल में क्या है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के दिल में क्या है अपने पर्सन के लिए, जिन्होंने पायल नंबर वन चूज किया है। आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, आपके मन में यही है, यही थॉट आता है कि आप अपने पर्सन, कब आपके पर्सन आपको मिल जाए। आप पूरे रीति रिवाजों से अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, आपके मन में यही चीज़ आती है अपने पर्सन के लिए, जिन्होंने सेलेक्ट दी। देखा मैंने क्या बोला था कि आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो। जिन्होंने सेकंड पायल चूज की है वो भी अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। जिन्होंने कार नंबर थ्री चुना है, आप अपने पर्सन के लिए बहुत पैशनेट हो रहे हो इस टाइम, इसी वक्त राइट नाउ आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। इसी वक्त आपको बहुत अच्छे अच्छे तो नहीं बोलूँगी, गंदे गंदे भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आप पैशनेट हो रहे हो, आप खुद समझदार हो, समझ जाओ। ठीक है, जिन्होंने पायल नंबर चार चुना है, आप थोड़ा सैड हो सकता है, आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही, जिनकी वजह से आप थोड़ा सैड एनर्जी में हो इस टाइम, लेकिन आपको इस सैड एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत जल्दी आपके पर्सन का मैसेज आएगा। तो ये आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल नैना स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइज, बाय बाय।